अलवर शहर जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अलवर शहर के नजदीक बाला फोर्ट और दादीकर फोर्ट है, जो काफी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। आसपास घना जंगल है। देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। हमने अलवर घूमने आए कई पर्यटकों से उनके अनुभव साझा किए, उनसे बात की, उनकी राय जानी। इसके अलावा प्रशासन को चाहिए थोड़ी व्यवस्था बनाकर रखे, सभी जगह पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाए, जब ज्यादा भीड़ पड़े तो पर्यटकों को परेशानी नहीं हो ऐसी व्यवस्था करे, तथा प्रशासन को चाहिए कि थोड़ी सी सख्ती जरूर रखे। इसके अलावा अलवर में पांडुपोल मंदिर, सरिस्का अभ्यारण, भरथरि महाराज मंदिर तथापि अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थान है। सरिस्का अभ्यारण विश्व में विख्यात है और यहाँ कई जंगली जानवर पाए जाते हैं। ये बहुत घना विहंगम और काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जंगल है। इसके अलावा बरसात के मौसम में तो यहाँ का दृश्य और भी मनोरम हो जाता है। तो हम दर्शकों से यही अपील करना चाहेंगे, अलवर घूमने जरूर आइए और यहाँ के आसपास के दर्शनीय स्थलों को देखिए। इस प्रकृति की अद्भुत छटा और मनोरम दृश्य का आनंद लीजिए। आवाज इंडिया न्यूज से मेहुल माथुर की रिपोर्ट। हाँ भैया, आज हम अलवर के डेडिकेट फोर्ट के ऊपर खड़े हैं। आइए देखिए, यह है अलवर का डेडिकेट फोर्ट। देखिए कितना शानदार और कितना प्यारा व्यू है। देखिए कितना विहंगम दृश्य है। आप देखिए पर्यटकों के लिए कितना बढ़िया, इस मौसम में जो है घूमने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। और अलवर का एक बहुत ही बढ़िया बाला फोर्ट है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये डेडिकेट फोर्ट के नाम से बहुत ही विख्यात फोर्ट है। देखिए प्रकृति की खूबसूरती की छटा कितनी बिखेर रही है यहाँ पे, और बिल्कुल नेचुरल जो कह सकते हैं ब्यूटी, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो पर्यटकों के लिए तो एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। चारों तरफ इतनी हरियाली है और आप देखिए अलवर शहर का जो व्यू है, अलवर शहर का जो विहंगम दृश्य है, देखिए कितना शानदार विहंगम दृश्य है। और थोड़ी सी अगर बरसात हो जाती है तो बरसात में तो आप देखिए कमाल की छटा बिखेर रही है। ऐसी छटा, ऐसी व्यू देखने को आपको नहीं मिलेगी। देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया जो है छटा है। और देखिए इस चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अलवर जो शहर है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, पहाड़ों की खूबसूरती के बीच में बसा हुआ है। तो आप देखिए जब पहाड़ों के बीच में कोई बसा हुआ शहर है तो उसकी खूबसूरती तो अपने आप में खुद ही एक विहंगम है। तो आप देखिए जो डेडिकेट फोर्ट है कितने जो है ज़मीन से काफ़ी ऊँचाई पर जो है यहाँ पर है, और ये देखिए कितने शानदार जो है विहंगम दृश्य है। आसपास आगे बाला फोर्ट है, आगे जो है म्यूज़ियम है। तो जो अलवर के पर्यटन स्थल हैं वो काफ़ी है। इसके अलावा देखो, देखिए मैं आप बता रहा हूँ, आपको टूरिस्ट बहुत आए हैं, तो आइए बात करते हैं एक टूरिस्ट से, पूछते हैं कि वो यहाँ घूमने आए हैं कैसा उनको लग रहा है, कैसा उनको जो महसूस हो रहा है। नमस्कार, डेडिकेट फोर्ट जो आप घूमने आए हो तो आपको कैसा लग रहा है, कहाँ से आए हैं आप? देखिए मैं जयपुर से आया हूँ, और ख़ास तौर पर जयपुर से इसलिए आया हूँ क्योंकि अलवर के बारे में बहुत सुना था, और ख़ासकर अलवर आने के बाद में पता चला कि इस तरह का फोर्ट यहाँ पर एक बहुत पहाड़ियों पे बसा हुआ है। हालांकि बहुत गांवों में से होता हुआ ये रास्ता आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में इसकी खूबसूरती का पता अपने आप पता चल जाएगा। ये मैं आपको नहीं बोलूँगा, जो आपके चैनल के जो दर्शक हैं वो अपने आप ही समझ जाए कि जिस तरह की यहाँ की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती अपने आप ही ये बयां करती है कि एक नेचुरल जो प्रकृति होती है बरसात के मौसम में जो नेचुरल प्रकृति निखर के आती है वो अपने आप पे पर्यटकों को यहाँ लुभाती है, और यही शायद कारण है कि मुझे इस प्रकृति ने यहाँ जयपुर से यहाँ बुलाया। तो इसके अलावा अपने अलवर में क्या क्या आप कहाँ कहाँ घूमे आप? देखिए अब मेरा आज ये दूसरा दिन है अलवर का, और अलवर जिले की अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो सरिस्का कल हमने घूमा यहाँ पर, और सरिस्का के ओर हम अंदर जाएंगे तो पांडुपोल हनुमान जी, जो केवल मंगलवार और शनिवार के ही उनके कहते हैं कि पांडुपोल के दर्शन करना बहुत जो है कठिन है। तो आपको कैसा आपने आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें, आप पांडुपोल के दर्शन आपको आसानी से हुए कि नहीं हुए, आप दर्शन को बताना चाहेंगे? देखिए बताना तो केवल ये चाहूँगा कि दर्शन की अगर आप बात करें कि जो अगर ईश्वर ने अगर ये लिख दिया कि अगर इनके दर्शन होंगे तो होंगे, प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करके ही आप अगर ऊपर तक पैदल चल के, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो नीचे से और ऊपर तक की जो दूरी है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की है। अच्छा। और यही 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तब मुश्किल बन जाती है जब बरसात का मौसम हो, भीड़ हो, और चिकनी मिट्टी जो पूरी होती है वो पूरी कीचड़ से भरी होती है,
तो ऐसे में आप अगर परिवार के साथ आए तो आपको संभल कर चलना होता है और एक परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। कैसा अनुभव रहा आपका, दर्शन आसानी से हो गए? बिल्कुल दर्शन आसानी से हुए। और अगर इस फोर्ट की मैं अगर बात करूं तो ये मुझे जहां तक ये अनुभव लगा है कि अगर आपके घर में आपके आसपास कहीं भी कोई शादी ब्याह का माहौल है तो आप उसे गाइड कर सकते हैं कि प्री वेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा ये प्री वेडिंग के लिए स्थल है, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स आपको आइटम देखने को मिल जाएंगे और यहाँ की जो कलाकृतियाँ, सबसे बड़ी बात होती है प्री वेडिंग में कलाकृति, पीछे का बैकग्राउंड और किस शॉट से उसको कैमरामैन को लेना, तो ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है कि किस तरह से ये होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात के मौसम में जो ये प्रकृति आती है, देखिए प्रकृति अगर हम चाहे कितना ही बनावट कर दे लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं आती। यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, मोर बोल रहे हैं, कोयल बोल रहे हैं, जो दृश्य है देख रहा हूँ बिल्कुल कितना शानदार और विहंगम दृश्य है, जैसे मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। और जैसे कि पर्यटक आए हैं, इन्होंने अपने व्यूज बताए कि ये पांडुपोल भी जाके आए हैं, सरिस्का घूम के आए हैं, क्या क्या इनको जो है वहाँ पे इन्होंने इनको जो उपलब्धि मिली, क्या इन्होंने देखा वहाँ पे, कैसा इनको अनुभव हुआ, सारी चीज़ इन्होंने बताई। और यहाँ तो ये आते रहते हैं इसलिए जो है इनको जो है इनसे मैंने पूछा कि यह और कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आवाज़ इंडिया न्यूज के दर्शक जो भी ये देख रहे हैं, एक बार अपना प्रोग्राम बना करके एक बार अलवर जिले में पधारे और इस फोर्ट की खूबसूरती को अपने मोबाइल में भी एक बार जरूर कैद करें। तो देखा आपने अलवर का विहंगम दृश्य। आवाज़ इंडिया न्यूज़ से मैं मेहुल माथुर। यस, तो आइए और पर्यटकों से बात करते हैं। चहलकदमी जो है यहाँ इतनी हो रही है, पर्यटक आ रहे जा रहे हैं, तो आइए हम और पर्यटकों से बात करते हैं। ये जोधपुर से आए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस डेडिकल फोर्ट में आप आए तो आपको कैसा महसूस हुआ और आप कहाँ कहाँ घूमे, बताइए। पर बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा व्यू है। जैसे कि हम लोग जोधपुर से आए हैं और मैं और मेरी फ्रेंड्स हैं, हमें काफी मजा आया है। बहुत अच्छा, चारों तरफ इतनी हरियाली है, पहाड़ है, बहुत शानदार व्यू है और हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार अलवर में आकर के इस फोर्ट पे अगर ना आए तो मतलब बिल्कुल बेकार है अलवर आना। नहीं, इतनी ऊंचाई पे आप आए, बाला फोर्ट है उसके बाद, तो यही क्या चुना आपने ये? आपको इसमें ऐसा क्या महसूस हुआ कि यही कि यार ये बहुत बढ़िया जगह, जयपुर जैसी जगह और जोधपुर जैसी जगह आप छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या आपको स्पेशल लगा कि इतनी, वो बताइए हमारे दर्शकों को। ये आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई लेकिन यहाँ का व्यू जब आए उसके बाद, यहाँ का व्यू बहुत शानदार है। मतलब ये देख लीजिए आप, माउंट आबू भी इसके आगे फेल लगता है, क्योंकि पूरा पहाड़ियों के बीच में बहुत अच्छा है, बहुत सुकून होता है जो थोड़ा। अच्छा, इसके अलावा अलवर में आप और कहाँ कहाँ घूमे? हम पांडुपोल के जो है दर्शन वो शनिवार और मंगलवार को है, तो आपने कल दर्शन किए, तो मैंने सुना है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है और दर्शन करना जो है चढ़ाई वगैरह, तो आपको क्या मतलब वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ा दर्शन में, या आसानी से हो गए? दर्शन आराम से हो गए, लेकिन बस यही है कि रास्ता थोड़ा ऐसा हो गया था कि कादा कीचड़ काफी था, तो हमें 3.5 किलोमीटर तक पैदल जाके दर्शन करने पड़े, बाकी वहाँ का भी व्यू बहुत। तो एक चीज और पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं सरिस्का में, तो सरिस्का आप जंगल में गए तो क्या आपको शेर वगैरह तो दिखाई दिए, जैसे कि जो कहते हैं लोग शेर घूमते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ दिखा आपको कहीं अनुभव हुआ? तो आपको हम शेर ही गए थे, बहुत सारे डियर दिखे, नील गाय दिखी वहाँ पे, मंकी, पीकॉक वगैरह, बाकी व्यू देखने को मिला और जंगल घूमने को मिला बस। तो अच्छी बात है, ये तो इत्तेफाक की बात है। बाकी आपने देखा कि अलवर के बारे में इन्होंने बताया, कहाँ कहाँ घूमे इसके बारे में बताया, तो देखा आपने कि कितना शानदार विहंगम दृश्य जो है अलवर का है। तो मैं पर्यटकों से यही कहना चाहूँगा जो भी हमारे चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं कि अलवर में आइए आप, जो है सब देखिए और जो यहाँ के जो विहंगम दृश्य है, यहाँ की छटा है, उसका जो है जब भी घूमने का मौका मिले तो आप डेडिकल फोर्ट हुआ या बाला फोर्ट हुआ और इसके आसपास के इलाके हुए वो ज़रूर देखिए। मैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ से मेहुल माथुर।